आदरणीय प्रधानाचार्य जी और प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे सभी सहपाठी, मैं वृद्धि पारक कक्षा 9 की तरफ से आप सभी को गोल्डन स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन 7 जुलाई 2008 को हमारे विद्यालय की स्थापना हुई थी। हर वर्ष इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के हर छात्र का पूर्ण विकास हो सके, इसलिए हमें शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने का मौका प्रदान किया जाता है। हर साल यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए छात्र एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित होते हैं। इन सबका श्रेय मैं यहाँ के काबिल शिक्षकों को देना चाहती हूँ। यहाँ तक कि कोरोना महामारी के दौरान भी हमारे विद्यालय में गतिविधियाँ बिल्कुल उसी प्रकार से हो रही है जैसे कि भौतिक विद्यालय में होती थी। हाँ, ये बात है कि हम हमारे विद्यालय के वातावरण को बहुत याद कर रहे हैं, परंतु ऑनलाइन कक्षाओं में भी हमारे प्रधानाचार्य जी और शिक्षकगण हमें गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को अब इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगी कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस विद्यालय की छात्र हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। Thank you.
Happy.
పక్షులు పక్షులు జై జైలు అమ్మా జై జైలు జై జైలు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు శుభాకాంక్షలు మళ్ళీ మళ్ళీ జరగాలి ఊరేళ్ళు చల్లగా ఉండాలి జై జైలు అమ్మా జై జైలు జై జైలు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు శుభాకాంక్షలు జన్మదినమిదం ఐ ప్రియ సఖే జన్మదినమిదం ఐ ప్రియ సఖే శంతనోతు తే సర్వదాముదం శంతనోతు తే సర్వదాముదం ప్రార్థయామహే భవశతాయుషి ప్రార్థయామహే భవశతాయుషి ఈశ్వర సదా త్వాం చ రక్షతు ईश्वर सदा रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया जीवनं तवा भवतु सार्थकं जीवनं तवा भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं నమస్కారం. నా పేరు టిఎపరాజిక. నేను ఫస్ట్ క్లాస్ బోల్టన్ స్కూల్లో చదువుతున్నాను. కీవురాని నా భూషయత్తి పురుషం హారాన చంద్రోజ్వలాహ నా స్నానం నా విలీపనం నా కుసుమం నాలాంకృతా మూర్ధజాహ ోతి పురుషం యా సంస్కృతీయంతిఖిల భూషణాని సతతం వాగ్భూషణం భూషణం. ధన్యవాదాలు. मेरा नाम अभ्यास मिश्रा है. हम पहली कक्षा में पढ़ते हैं. आज हम आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं. फूलों ने बोला खुशबू से, खुशबू ने बोला बबरों से, बबरों ने बोला तितली से, तितली ने बोला वर्षा से, वर्षा ने बोला मेघों से, मेघों ने बोला लहरों से, लहरों ने बोला साहिल से. और हम कहते हैं आपसे जन्मदिन मुबारक हो. दिल से हैप्पी बर्थडे. धन्यवाद. नमस्कार आदरणीय शिक्षक गण व मेरे प्यारे मित्रों, मैं श्लोक आप सभी के सामने विद्यालय के स्थापना दिवस पर कविता सुनाना चाहता हूँ. कविता का नाम है हंसने का स्कूल. आशा करता हूँ आपको अच्छी लगे. जल्दी आओ नाम लिखाओ, जल्दी आओ नाम लिखाओ, पहले हंसकर जरा दिखाओ. बच्चे जाते रोना भूल, यह है हंसने का स्कूल. पहले सीखो खिल खिलाना, पहले सीखो खिल खिलाना, बढ़कर सबको गले लगाना. नहीं खिलेंगे सारे फूल, यह है हंसने का स्कूल. झगड़ा झंझट और उदासी, झगड़ा झंझट और उदासी, इनको तो हम देंगे फांसी. हंसी खुशी से झूलम झूल, यह है हंसने का स्कूल. मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है. इसी महत्व को बताने के लिए हम आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं. आइए हम सब मिलकर इस नाटक का आनंद लेते हैं. राजू बेटा, राजू बेटा, जा जाकर दुकान से सामान लेकर आ. मुझे भी पढ़ना है, थोड़ा ज्यादा जरूरी है. पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, अभी जाकर सामान लेकर आ. पढ़ाई से पेट तो नहीं भरेगा. ठीक है माँ. घर पर हुए है, आपका पत्र आया है. हाँ हाँ, आती हूँ आती हूँ. का पत्र आया है, यहाँ पर
हस्ताक्षर कर दीजिए। मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, अब मैं हस्ताक्षर कैसे करूं? तो फिर यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिए। ठीक है, अभी लगाती हूँ। इस पत्र में क्या लिखा है? मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, अब कौन यह पत्र पढ़ेगा? भाभी जी यहाँ आइए ना, आप क्या इस पत्र को पढ़ सकती है? हाँ, मुझे तो पढ़ना आता है, अभी पढ़ती हूँ। अरे लेकिन अभी तो मेरे बेटे के आने का समय हो गया, उसे लेकर आने के बाद पढ़ती हूँ। अरे यह तो चली गई, अब मैं इस पत्र को किससे पढ़वाऊंगी? भाई साहब क्या आप इस पत्र को पढ़ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है? अभी पढ़ता हूँ। मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। हाय भाभी जी, इसमें तो बहुत बुरी खबर है। मैं अभी अपना चश्मा लगाता हूँ और ये पत्र पढ़कर सुनाता हूँ। हे भगवान, यह भी चले गए। लेकर आ गया, बहुत परेशान लग रही है। बेटा यह पत्र आया था और पड़ोसी बता रहे थे कि इसमें बहुत बुरी खबर है, अब कौन बताएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है? देखता हूँ, इसमें तो लिखा है कि मौसी की शादी है और हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है। अरे वाह बेटा, तुमने तो, मैं तो कितनी परेशान हो रही थी, तुमने तो पत्र पढ़कर मेरी परेशानी ही दूर कर दी। अब मैं तुम्हें कभी भी पढ़ने से नहीं रोकूंगी, तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मैं दीक्षा शर्मा हूँ, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपने स्कूल से मिलवाती हूँ, जिसका कि आज 13वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। अपितु इस महामारी के दौर में हम एक दूसरे से ऑनलाइन मिल रहे हैं, पर उद्देश्य वही है। ये है हमारा बोल्टन स्कूल, द बेस्ट स्कूल। हमारे बोल्टन स्कूल का लक्ष्य सभी विद्याओं में चुनौतीपूर्ण और गतिशील शिक्षण का अनुभव प्रदान करते हुए विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार करने का है। से विद्यार्थी अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सुरक्षित और सुयोगी माहौल में गहरी समझ के साथ विकसित कर सके। बोल्टन की शुरुआत 2008 में हुई थी और इसकी स्थापना विद्या रानी मैम ने की थी। इसके बाद जानकी मैम ने इसे पौधे की तरह सींचा। इनके मार्गदर्शन व मेहनत की बदौलत आज बोल्टन इस स्थिति पर जा पहुंचा है, जहां सभी बच्चे वहां प्रवेश पाने की इच्छुक रहते हैं। और बोल्टन के शिक्षक अपनी कड़ी मेहनत द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार से बोल्टन स्कूल द्वारा पढ़ा छात्र हर क्षेत्र में आगे है। हम सभी बोल्टन को आगे बढ़ने और उसे एक नया मुकाम पर पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं। आइए हम सब बोल्टन के बच्चे, जानकी मैम और सारे टीचर्स मिलकर बोल्टन का बर्थडे मनाते हैं। सही कहा, चलो जानकी मैम को बुलाते हैं। हैप्पी बर्थडे बोल्टन स्कूल। Thank you.
great journey has a great beginning. Good morning, one and all. I'm Sharanya from Grade 8B. Today, I'm going to share my experience in Bolton. When I first stepped into Bolton, I was fearful but excited at the same time. The questions I was pondering were many. What will the school be like? What will it, I be accepted or liked by my peers? What connections will I develop with my teachers? Will they be friendly or strict? Will I be able to adjust to my new surroundings? And I'm very glad to say my worries were unfounded. My experience at Bolton so far has been nothing short of perfect and memorable. I've made friends for a lifetime here. We stand up for each other, support each other when it comes to academics and otherwise, and have a lot of fun. I have teachers who guide and encourage me every single day. My teachers have always been supportive and kind. Today, I can say in no uncertain terms that I am very proud and happy to be a part of Bolton. Thank you. నా పేరు హర్ష. నేను బోల్టన్ స్కూల్లో 2వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఒక కవిత చెప్పబోతున్నాను. नोबिता के डोरेमोन इष्टम अंकुश की बजरंगी इष्टम जिंटू की वीर इष्टम माशा की बेल इष्टम सुपर स्ट्राइकर्स की कोच इष्टम आश की पिकाचू इष्टम मरीना को नीको మనందరికీ ఏమంటే ఇష్టం ఎవరంటే ఇష్టం బోల్టన్ పాఠశాల ఇష్టం ఇష్టం మనకెంతో ఇష్టం బోల్టన్ పాఠశాల మనకెంతో ఇష్టం ధన్యవాదాలు గ్రీటింగ్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్ ప్రెసెంట్ హియర్ ఎ జర్నీ ఆఫ్ 1000 మైల్స్ బిగిన్స్ విత్ అ సింగిల్ స్టెప్ మై జర్నీ అట్ బోల్టన్ బిగన్ విత్ అ సింగిల్ స్టెప్ టు And the step in the right direction it was, one that has had a tremendous impact on me. It has brought in a change not just limited to academics, but a change in totality. I feel like I now have a renewed curiosity, a capacity to relate myself better to my peers, and a commitment to growth and hard work. Bolton doesn't just allows me to commit to and focus on my academic pursuits. But here at Bolton, I was able to pursue a range of extracurricular activities that allowed me to understand where my interests and ambitions lie. My school, my peers, my teachers all have contributed in many ways, big and small, and allowed me to understand myself better, learn something new every day, and become a better person. Each day is a new day at Bolton. Every day I'm excited to go to school, meet my friends and teachers, have fun between periods, sharing our lunch breaks, learning and playing with my peers. Now, of course, I miss all of this and I hope to be back to school very soon to continue on in my Bolton journey. Thank you.